नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा में। दोस्तों, अफीम का पौधा 3 से 4 फुट ऊंचा, हरे रेशों से युक्त और चिकने कांड वाला होता है। इसके पत्ते लंबे, डंठल रहित, गुड़हल के पत्तों से कुछ मिलते जुलते आगे के हिस्से में कटे हुए होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के और कटोरी नुमा बड़े सुहावने होते हैं। इसके फल छोटे और अनार की आकृति के होते हैं। इसकी जड़ ज्यादातर छोटी होती है। ये भारत में विशेषतः उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम और विंध्य प्रदेश में पैदा होता है। पश्चिमोत्तर प्रांत में इसकी खेती की जाती है। ये स्वाद में कड़वी, कसैली, पचने पर कटु तथा गुण में रूखी होती है। इसका मुख्य प्रभाव नाड़ी संस्थान पर मदकारी होता है। ये नींद लाने वाली, वेदना रोधक, श्वास केंद्र की अवसादक, शुक्र स्तंभक और धातुओं को सुखाने वाली है। चलिए अब आपको अफीम से होने वाले कुछ फायदों के बारे में बताते हैं। 1/4 रत्ती अफीम और 3 रत्ती केसर की गोली बनाकर बादाम के हलवे के साथ खाने से पुराना सिर दर्द, बार बार होने वाला नजला और जुकाम रुक जाता है। आँखों में मोतियाबिंद उतर रहा हो तो वो भी इससे रुक जाता है। 2 सप्ताह इसके सेवन के बाद केवल बादाम और केसर का सेवन करें, अफीम निकाल दें, आवश्यकता होने पर पुनः इसे लें। ये अनुभूत प्रयोग है। अगर दस्त की परेशानी हो तो 4 रत्ती अफीम 1 छुआरे के अंदर रखकर उसे आग में भूनें, फिर उसे पीसकर मूंग के बराबर 1-1 रत्ती की गोली बना लें। इसके सेवन से मरोड़ देकर आव सहित होने वाले दस्तों में लाभ होता है। बच्चों को इसकी आधी मात्रा देनी चाहिए। पोस्त उबाल कर पीने से अतिसार और पतले दस्त रुक जाते हैं, पर दोस्तों ध्यान रखें कि अधिक मात्रा में ये मादक हो जाता है, तो इसका नियमित मात्रा में ही प्रयोग करें। नजले की परेशानी के लिए 1 तोला खसखस घी के साथ कड़ाही में भून लीजिए, फिर चीनी मिलाकर हलवा बना लें। प्रातःकाल इसका सेवन करने से पुराना सिर दर्द और नजला दूर होता है। अफीम विभिन्न शूल में भी आपके लिए काफी फायदेमंद है। अफीम को तेल या घी में मिलाकर वेदना स्थानों पर जैसे बवासीर के मस्से, नेत्र, पसली के दर्द तथा शिर शूल में भी सिर पर लेप करें, लेकिन ध्यान रखें कि कान के दर्द में तेल ही डालें, घी नहीं। अफीम 2 रत्ती और एलोआ 1 तोला अदरक के रस में पीसकर धीमी आंच पर पकाकर लेप बना लीजिए। कपड़े पर रखकर किसी प्रकार की चोट, मोच या सूजन पर लगाएंगे तो निश्चित आराम मिलेगा। अफीम के अधिक प्रयोग से तंद्रा, निद्रा, हृदय का अवसाद होने लगे तो तुरंत राई और नमक मिलाकर दे दीजिए तथा वमन करा दें। अरहर की कच्ची दाल पानी में पीसकर या हींग पानी में घोलकर पिला देने से भी तुरंत आराम पहुंचता है। दोस्तों, एक और बात का ध्यान रखें कि ये एक मादक द्रव्य है। अधिक प्रयोग से इसके विषाक्त प्रभाव संभव है, इसलिए बहुत जरूरी होने पर ही इसका प्रयोग करें, लेकिन वो भी कभी बहुत ज्यादा मात्रा में बिल्कुल नहीं। अति आवश्यक होने पर ही बच्चों, वृद्धों तथा सुकुमार स्त्रियों को बड़ी सावधानी से कम मात्रा में ही इसका सेवन कराएं। तो दोस्तों, अफीम के इतने सारे फायदे जानने के बाद हम आपको यही बताना चाहेंगे कि जहाँ किसी चीज के नुकसान होते हैं वहाँ थोड़े बहुत तो फायदे होते ही हैं, लेकिन हम आपसे फिर कहेंगे कि हर चीज का नियमित इस्तेमाल फायदेमंद रहता है, किसी भी चीज की अति नुकसान पहुँचा सकती है। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।